बुलेटिन के पेश करता है काका जी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव मोती गली चौमहल्ला पैलेस रोड हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम आदाब, मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं बीबीएन न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हज 2022 के लिए 65 साल से कम उम्र की हद मुकर्रर, 22 अप्रैल तक दाखिल की जा सकती है नई दरखास्तें, एके खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। धान की खरीदारी का मुतालबा, नई दिल्ली में टीआरएस का महाधरना, टीआरएस उजरा कायदीनों कारकुनान समेत सीएम केसीआर और भारतीय किसान यूनियन के तर्जुमान राकेश टिकैत ने की शिरकत। हम शिद्दत का जलजला लाएंगे जो दिल्ली की सल्तनत को हिलाकर रख देगा, धान के मसले पर दिल्ली में एहतजाजी तकरीब से सीएम केसीआर का खिताब। मरकज धान की खरीदारी नहीं कर सकता तो वजीर आजम को मुस्तफी हो जाना चाहिए, दिल्ली में महाधरना के मौके पर वजीर तलसानी की मीडिया से बातचीत। हैदराबाद में बीजेपी का एक रोजा एहतजाज, किसानों के मसाइल दूर करने केसीआर हुकूमत से मुतालबा, विजय शांति ने रियासत में सदर राज की मांग की। दिल्ली में टीआरएस तो हैदराबाद में बीजेपी, धरना देते हुए किसानों को कर रही गुमराह, सीनियर कांग्रेस लीडर मधु याचिकी ने सीएम और पीएम को बनाया निशाना। और अब खबरों की तफसील। हज 2022 के लिए सऊदी अरब हुकूमत की जानिब से गाइडलाइंस के ऐलान के बाद हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से 65 बरस से कम उम्र के आज़मीन हज से दरख्वास्तें तलब की जा रही हैं। नई दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख 22 अप्रैल है। मौकमे अखिलेती बहबूद तेलंगाना हुकूमत के मुशीर एके खान ने आज एक प्रेस मीट करते हुए इस ज़िमन में तफसीलात बताई। उन्होंने कहा कि आज़मीन हज को कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लेना होगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बी शफीउल्ला, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इरफान शरीफ के अलावा दीगर मौजूद थे। सबसे पहले रमजान करीम की मुबारकबाद तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के जानिब से पेश करना चाहूँगा। इस साल यानी कि 2022 का हज सीजन जो है, इसमें सेंट्रल हज कमेटी से नए इंस्ट्रक्शंस हासिल हो चुके हैं। इनमें कुछ बुनियादी तब्दीलियाँ किए गए हैं। इससे पहले जो इंस्ट्रक्शंस थे, अगर उससे हम लोग कंपेयर करके देखें तो काफ़ी चेंजेस आए हैं। सबसे पहले 65 ईयर्स यानी कि 65 साल से ज़्यादा उम्र वाले जो भी आज़मीन हज हैं उनकी एलिजिबिलिटी नहीं है। यानी कि 65 ईयर्स से जो एज ज़्यादा होती है वो इस साल हज के लिए एलिजिबल नहीं है, तो उनके एप्लीकेशन भी एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। और सऊदी हुकूमत की तरफ से जो ये इंस्ट्रक्शन है कि किसी हालत में 65 प्लस को नहीं लेना चाहिए, ये सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं है, आलम भर में जितने भी ममालिक हैं सबके लिए यही इंस्ट्रक्शन है। और दूसरी बात, अब ये भी हो सकता है कि कोई ख्वातीन आज़मीन हज होते हैं वो 65 के कम एज वाले होते हैं, मगर अगर उनके महरम 65 ईयर से उनका एज और ज़्यादा है तो ये जो ओरिजिनल एप्लीकेशन होता है आज़मीन हज का वो भी कैंसिल होता है। अगर आप ऑलरेडी अप्लाई कर लिए हैं फिर भी वो एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगा। महरम भी शर्त है कि महरम भी 65 से कम होना चाहिए और साथ ही साथ आज़मीन हज का एज भी 65 से कम होना चाहिए। ये सबसे बुनियादी चेंज है इससे पहले जो इंस्ट्रक्शंस थे उसके मुकाबले। और इसके साथ ही साथ क्योंकि कोविड का सिचुएशन था उसमें बेहतरी तो आई है, मगर ये नहीं कह सकते हम लोग कि पूरे तरह से इसका खात्मा हुआ है, तो इसलिए सऊदी हज डिपार्टमेंट के जानिब से ये इंस्ट्रक्शन भी है कि डबल वैक्सीनेशन जो सऊदी में एक्सेप्टेड हैं वैक्सीन्स, तो उसकी एलिजिबिलिटी चेक करना होगा आपको, क्योंकि सऊदी हुकूमत जो वैक्सीन्स को अलाउ करेगी उसी के तहत वैक्सीनेशन होना चाहिए और सिर्फ वो जो वैक्सीनेट होते हैं उन आज़मीन हज को ही वहाँ पर अलाउ किया जाएगा।
मुल्क के कौमी दारालहुकूमत नई दिल्ली की सियासी गर्मी में आज इजाफा देखा गया, क्योंकि तेलंगाना की मुकम्मल काबीना अवामी मुंतखब नुमाइंदों और रियासत की हुक्मरान जमात टीआरएस के लीडरों ने एक रोज़ा महाधरना मुनक़िद करते हुए रियासत से धान की ख़रीदारी के सिलसिले में रियासती हुकूमत के साथ मरकज़ के नामुनासिब रवैये की मजम्मत की। इस धरने की क़्यादत टीआरएस सरबराह व वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने की। इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन के तर्जुमान राकेश कैत ने भी इस धरने में शिरकत करते हुए तेलंगाना के किसानों के साथ यंगांगत का इजहार किया। भारतीय किसान यूनियन के तर्जुमान राकेश टिकैत ने धान की ख़रीदारी के मसले पर दिल्ली के तेलंगाना भवन में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के धरने में हिस्सा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने मरकजी हुकूमत पर शदीद नुक्ताचीनी की। उन्होंने कहा कि तरक्की के बजाय मरकजी हुकूमत मजहबी सियासत कर रही है। देश में हो क्या रहा है, मतलब किसान ऐसे ही मरता रहेगा? किसान आंदोलन करेगा तो उसके खिलाफ पर्चे दर्ज होंगे? किसान अगर आंदोलन की बात करेगा तो उसको ईडी और उसके जो भी उसके चमका कहेंगे, कोई अधिकारी आएगा तो उसके खिलाफ पर्चे दर्ज होंगे? क्या हालात यह होंगी कि देश में अगर किसान की, मजदूर की, गांव की, आदिवासी की बात करना कोई इस देश में गुनाह हो गया? क्या इसकी कंप्लेंट कहीं यूएनओ में करें? लेकिन यह देश का किसान कमजोर नहीं है, ना था और ना है। यह देश का किसान लड़ेगा, जो उसकी लड़ाई है, जो उसके हक हकूक है उसके लिए लड़ेगा। जो इशू है, इशू यह है कि भारत सरकार की पॉलिसी एग्रीकल्चर से अलग हो रही है। यह देश के किसानों की जमीन को बेचना चाहते हैं, यह अन्याय है किसान के साथ में। और एक और बड़े आंदोलन की देश में जरूरत है। आज हमको प्रेस वाले जैसे ही इनसे बाहर जाएंगे तो प्रेस के लोग कहेंगे जी आप तो पॉलिटिकल मंच पाए, लेकिन यहां कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है। जो देश में किसान की बात करेगा हम उसके साथ खड़े होंगे, ये कोई पॉलिटिकल नहीं है। यहां के आज जो मुख्यमंत्री हैं वे कोई पॉलिटिकल नहीं है, वे किसान हैं, वे राजदू हैं। यहां के जितने भी मिनिस्टरी बैठे हैं वे सारे किसान हैं, धान उनके सामने पड़ा हुआ है, जो पेड़ी है वो उसको लेकर आए हैं। ये कोई वोट मांगने नहीं आए यहां पे, ये मांगने आए अपनी फसलों के दाम मांगने आए हैं। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं ऐसे मुख्यमंत्री का, हम स्वागत करेंगे उसके मंच पे, हम बार बार जाएंगे। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि रियासत के अवाम और किसान मरकज़ के साथ लड़ने तैयार हैं। रियासत से मुकम्मल धान की ख़रीदारी के मसले पर कौमी दारालहुकूमत नई दिल्ली के तेलंगाना भवन में टीआरएस पार्टी की जानिब से मुनक़िदा एक रोज़ा धरने से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने धान की ख़रीदारी के लिए मरकज़ को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया। उन्होंने कहा कि हम शिद्दत का जलजला लाएंगे जो दिल्ली की सल्तनत को हिलाकर रख देगा। वहीं केसीआर ने अजनास की ख़रीदारी के लिए कौमी सतह पर पॉलिसी बनाने का भी मुतालबा किया। सच्चे अच्छे ईमानदार प्रजा प्रेमी प्रधानमंत्री होते ये तेलंगाना किसानों ने जो काम किया है ये सराहनीय काम है, प्रशंसनीय काम है। प्रधानमंत्री जी का कर्तव्य ये बनता है कि इसको सराहना चाहिए, उल्टा आप हमारे अपमान कर रहे हैं, हमको दोषी कह रहे हैं। धान उगाना ही दोष है, देश को हमने देना ही देश है, दोष है? क्या बात देश है? जैसा अभी हमारे भाई राकेश टिकैत जी कह रहे थे, देश में किसानों के एक महासंग्राम शुरू होगा। मैं उनका वचनों का स्वागत करता हूं। पूरी तेलंगाना के जनता और किसान डट कर आपके साथ खड़े हो जाएंगे। टिकैत जी जो महासंग्राम शुरू होने हैं, मैं आप लोगों का तारीफ करता हूं, आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। केंद्र सरकार कितना आपको अपमान क्या देखते रहे, आश्चर्य व्यक्त करते रहे आपको। केंद्र सरकार ने खालिस्तानी कहा, उग्रवादी कहा, पता नहीं क्या क्या कहा, इतने मुश्किल खड़ा कर दिए, इतने पुलिस तैनात किए, लेकिन अटल तरीके से आप लोगों ने देश के किसानों के प्रति उनके मांगों को लेकर के 13 महीने लगातार जिस प्रकार का
आंदोलन किया, शायद दुनिया पूरी दुनिया भर में कहीं नहीं हुआ, किसी देश में नहीं हुआ। आपने यह हालत कर दी भारत सरकार का कि प्रधानमंत्री को खुदा के माप से माफी मांगनी पड़ी, देश के किसानों से माफी मांगनी पड़ी। हमारे प्रधानमंत्री तो माफी के सौदागर है, जब कभी चुनाव आता है वो माफी मांग लेते हैं। कुछ समय पहले कुछ अन्य लोगों से भी वो माफी मांगे थे, हो सकता है बाद में भी फिर माफी मांगे, यही लगता है। मैं सीधी बात कहना चाहता हूं, तेलंगाना चाहता है, तेलंगाना अनुरोध करता है, डिमांड करता है, इस देश के किसान भिखारी नहीं है, भीख नहीं मांग रहे, इस देश के किसान मांग रहे अपना हक मांग रहे। फिर एक बार मैं प्रधानमंत्री से कहता हूं, आप एक नई एग्रीकल्चर पॉलिसी का रचना कीजिए, हम भी उसमें योगदान देंगे। आप अगर नहीं करेंगे, ये बात आपकी बस की नहीं है, आगे चल के आपको हटा देंगे। जो नई सरकार आएगा उसके तहत नई एग्रीकल्चर पॉलिसी, जो इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर पॉलिसी ऑफ इंडिया होगा, उसको हम लागू करेंगे। तेलंगाना की हुक्मरान जमात टीआरएस के रुकन खानुम साज काउंसिल के कविता ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा करते हुए कहा कि एक मुल्क के लिए अजनास की ख़रीदारी की एक ही पॉलिसी होनी चाहिए। उन्होंने तेलंगाना से धान की ख़रीदारी के मसले पर कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में वज़ीर आला केसीआर के एक रोज़ा एहतजाजी प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए कविता ने कहा कि गुज़िश्ता 6 माह से मरकजी हुकूमत से इस खसूस में दरख्वास्त की जाती रही है, लेकिन मरकज़ ने रियासत के किसानों की एक भी बात नहीं सुनी, जिसकी वजह से उनकी पार्टी को मजबूरन दिल्ली आना पड़ा। तेलंगाना के वजीर एनिमल हस्बेंड्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि तेलंगाना से फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी FCI धान की ख़रीदारी करता है, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर रहा। उन्होंने कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में वजीर आला KCR के एक रोज़ा एहतजाज के मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि ज़रई शोबे के लिए CM KCR ने 24 घंटे पानी और बिजली की सप्लाई का काम शुरू किया है, जिससे रियासत में गुज़िश्ता 8 बरस से धान की पैदावार में इजाफा हुआ है। ताहम मरकज़ की जानिब से धान की ख़रीदारी ना किए जाने से रियासत के किसानों को नुकसान का सामना है। उन्होंने मरकजी हुकूमत से फौरी धान की ख़रीदारी करते हुए तेलंगाना के किसानों को राहत पहुँचाने का मुतालबा किया। तलसानी ने कहा कि अगर मरकज़ धान की ख़रीदारी नहीं करना चाहता तो वज़ीर आज़म मुस्तफ़ी हो जाएँ। जो राइस ग्रेन है अभी वो परचेस करने का फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, अभी देश को खाना लगाने का जितना हमारे जो बिलोड चीफ मिनिस्टर साहब ने 24 घंटे पानी 24 घंटे बिजली, तो ये 8 साल में बहुत बड़े पैमाने से फूड ग्रेन्स आए हुए है। तो ये राइस परचेस करने का जिम्मेदारी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। अभी ये लोग क्या है हम नहीं खरीदते बोल के, अभी इसके लिए क्या है बोलो तो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में है सो है, अभी हम परचेस नहीं करते, अभी अपने मनमाने चला लेते बोलो तो इसके लिए दबाव को लाने के लिए ये धरना हो रहा है। अभी चावल नहीं खरीदने चाहे तो प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करो बोलो, वो लोगों को क्या हकल है क्या? आज सारे हिंदुस्तान में कोई भी फूड ग्रेन रहे तो वो परचेस करने का जिम्मेदारी है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का है। अपने जिम्मेदारी अपन नहीं निभा के आप रिजाइन करो बोलो तो आप प्राइम मिनिस्टर साहब रिजाइन करो बोलो। दिल्ली में TRS के धरने के मौके पर रियासत तेलंगाना की हुक्मरान जमात TRS के रुकन असेंबली S. वेंकट वीरैया तवज्जो के मरकूज बने रहे। वीरैया सिया लिबास पहनकर अपने कंधे पर किसान का हल रख कर एहतजाज के मुकाम पर पहुंचे और इस एहतजाज से यंगागत का इजहार किया। तेलंगाना से धान की ख़रीदारी के मसले पर TRS की जानिब से दिल्ली के तेलंगाना भवन में एहतजाजी मुजाहरे के दौरान हिंदी, इंग्लिश और तेलुगु में फ्लेक्सी बोर्ड्स लगाए गए थे। इसके जवाब में करीब ही BJP ने भी 3 जबानों में फ्लेक्सी बोर्ड्स लगाए, जिसे TRS लीडरों ने हटा दिया। TRS ने जहां दिल्ली में तेलंगाना के किसानों से धान की ख़रीदारी का मुतालबा करते हुए महाधरना मुनक्किद किया, वहीं रावी के सीज़न के दौरान किसानों से धान की ख़रीदारी का
तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा करते हुए तेलंगाना बीजेपी ने हैदराबाद के इंदिरा पार्क पर एक रोज़ा एहतजाज किया। इस एहतजाज में मरकजी ममलिकती वजीर दाखिला एम मुरलीधरन, तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय, पार्टी की कौमी नायब सदर डी के अरुणा, अरकान असेंबली इटेला राजेंद्र, रघुनंदन राव, बीजेपी लीडरान विजय शांति और दीगर ने हिस्सा लेते हुए खिताब किया। अपने खिताब में बीजेपी लीडरों ने किसानों से धान की खरीदारी न करने पर टीआरएस हुकूमत को तनखीद का निशाना बनाया। ఆంధ్ర సమస్య విలేకరు బాధపడితే అప్పుడు చిట్టింట్లో కూర్చుండాన మళ్ళీ రాత్రి 11:40 అన్నాడు. ఈరోజు అదేసిండు, ఉదయం నుంచి సాయంత్రం మైకల్ దీక్ష. ఇక్కడ పోలీసులు మా ప్రేమధరణ పోయి, ఇక్కడ పోయి పోలీసులు పోయి మా ఆంతరెడ్డి వారై డీజీపీ గారు సార్ ఉదయం 10 నుంచి సాయంత్రం 7 దాకా దీక్ష చేస్తాం సార్, 5 దాకా కేవలం 10 నుంచి 3 వరకే దీక్ష అనట. ఒకటి దొంగ దీక్షలతో తెలంగాణ రైతులను నమ్మించలేవు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి, నీ దొంగ నాటకాలతో తెలంగాణ సమాజాన్ని వంచించలేవు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి, నీ యాసతోని నీ భాషతోని నీ పిట్టగడలతోని సెంటిమెంట్తోని తెలంగాణ ప్రజలను నమ్మించలేవు, నీ మోసపూరితన విధానాలను తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలు గ్రహించారు కాబట్టి ఎస్ నీ గడిలు కూర్చడానికి భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలు సిద్ధమైన కాబట్టి ఇలా భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలను बीजेपी लीडर विजय शांति ने कहा है कि अगर तेलंगाना में किसानों के मसाइल हल करना है तो रियासत में सदर राज नाफिस करना होगा। उन्होंने इंदिरा पार्क पर बीजेपी के रायतू धरना प्रोग्राम से खिताब करते हुए मजीद कहा कि तेलंगाना में बीजेपी के इख्तदार पर आने से ही रियासत की तरक्की मुमकिन है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के किसान ही सीएम केसीआर को अब सबक सिखाएंगे। లాక్ చేసి పెట్టడానికి ఉందా అంటే మీ ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇలాగే టైం లాగి 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 రైతులు వేరే దారి లేక తక్కువ రేటుకి ఎవరికి దళారులకు ఇచ్చి అమ్మేయాలి పరిస్థితి తీసుకురావాలని కేసీఆర్ చేస్తున్న నాటకం దుర్మార్గు నాటకం అని తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే దీంట్లో లాభపడాల్సింది రైస్ మిల్లర్లు, దళారులు, కేసీఆర్. ఈ ముగ్గురు ఈ కమిషన్లు పంచుకుని రైతుల నడ్డ వెరక్ కొడుతున్నారు. వాళ్ళకి తక్కువ ధరకు ఇవ్వడానికే ఇంత కాలయాపన చేస్తూ వాళ్ళ మబ్బ పెడుతూ మోసం చేస్తూ ఒక పక్కన ఢిల్లీ వచ్చి బాయిల్ డ్రెస్ కొనాలని ఇంకో పక్కన డ్రామా ఆడుతున్నాడు. ఇవాళ ఏమంటున్నాడు అంటే ఒడ్లు కొండ నా దగ్గర డబ్బులు లేదు అన్నాడు కేసీఆర్. పక్క రాష్ట్రాల్లో ముఖ్యమంత్రికి డబ్బు ఇవ్వడానికి నీకు డబ్బు ఉంటుంది, నువ్వు స్పెషల్ ఫ్లైట్ లో ఢిల్లీకి పదే పదే వెళ్ళడానికి ప్రజల డబ్బు నీ దగ్గర ఉంటుంది, పీకే అన్న మనిషిని తీసుకొచ్చి 500 కోట్లు ఇవ్వడానికి నీకు డబ్బు ఉంటుంది, కానీ మనకి అన్నం పెట్టే రైతన్నలకి డబ్బు ఇవ్వడానికి నీ దగ్గర డబ్బు లేదా నేను అడుగుతున్నాను. నేను సిగ్గుందా కేసీఆర్ నువ్వు చేస్తున్నది ఏంటి అయ్యా నువ్వు చేస్తున్నది ఇవాళ. ఖబర్నామే మే ఫిల్హాల్ లెంగే ఎక్ బ్రేక్, ములాఖాత్ హోగీ ఇస్ ఛోటే సే బ్రేక్ కే బాద్. ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना से धान की खरीदारी के मसले को हल करने दिल्ली में टीआरएस और हैदराबाद में बीजेपी धरना मुनक्किद करते हुए किसानों को गुमराह कर रही हैं। ये बात तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक एमपी मधु याचिकी गौड़ ने आज हैदराबाद में मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान कही। उन्होंने सीएम केसीआर पर मिलर्स के साथ मिलकर किसानों को धोखा देने का इल्ज़ाम भी लगाया। आज दिल्ली में तेलंगाना भवन में तेलंगाना का मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव जी उनके परिवार के साथ उनके मंत्रियां, एमएलए, एमपीस खूब खाकर आंध्रा भवन में एयर कंडीशन कूलर्स लगाकर अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर 5-स्टार होटल में रहते हुए प्राइवेट एरोप्लेन में जाकर वहाँ एक किसानों के लिए दीक्षा में बैठे और हिंदी में भाषण देते हुए कहा 24 घंटे का समय प्रधानमंत्री को दे रहे हैं। आज तेलंगाना हम आवाम के तरफ से, किसानों के तरफ से तेलंगाना कांग्रेस कमेटी ये पूछना चाहती है, एक मुख्यमंत्री है, दूसरा प्रधानमंत्री है, ये दोनों मिलकर किसानों की समस्या हल करना चाहिए। वो तो किया ही नहीं, ये खूब खा पी कर 10 दिन से दिल्ली में रहकर जब सांसद चल रहा था
तब तो आवाज़ नहीं खोला। जब सांसद चलते रहे होकर सारा प्रधानमंत्री मंत्रियां अधिकारियां रहते वहाँ पर, प्रतिपक्ष नेता भी आ सकते थे, वो काम तो किया ही नहीं। पार्लियामेंट ख़त्म हो गया, अब धरना पे बैठा, किसके लिए बैठा भाई? उसको ख़त्म करने के लिए मिलर के साथ मिलकर तेलंगाना सरकार लूट रहे हैं, बीजेपी और टीआरएस, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री। समस्या हल करने वाले यही धरना पे बैठना, ये दगा है, ये साफ साफ जाहिर लूट है। और ऐसे छोरों को, खासकर तेलंगाना मुख्यमंत्री को, पॉलिटिकली ख़त्म करने का समय आया है। तेलंगाना काबीना का इजलास मंगल 12 अप्रैल की दोपहर में मुनाक़िद किया जाएगा। कैंप ऑफिस प्रगति भवन में वज़ीर आला की सदारत में इस इजलास में धान की ख़रीदारी के मसले पर फैसला किए जाने की उम्मीद है। इस इजलास में रियासती वज़रा के साथ चीफ सेक्रेटरी भी शिरकत करेंगे। बताया जा रहा है कि इजलास में हालिया सियासी पेशरफ्त और अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा और काबीना से मंजूरी दी जाएगी। सिरसिला इंटीग्रेटेड कलेक्टर ऑफिस कॉम्प्लेक्स मीटिंग हॉल में आज प्रजावानी प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। इस प्रोग्राम में ज़िला कलेक्टर अनुराग जयंती ने आवाम से शिकायत और दरख्वास्तें वसूल की और मुतालिका अहदेदारों को हिदायत दी कि वो आवाम की दरख्वास्तों और शिकायत को तेज़ी से हल करें। इस मौके पर ज़िला एडिशनल कलेक्टर्स बी सत्यप्रसाद, के नायक और दीगर मौजूद थे। आदिलाबाद में वाक़े बीसी स्टडी सर्कल में महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती तकरीब बड़े पैमाने पर मुनक़िद की गई। आदिलाबाद ज़िला कलेक्टर सिकता पटनायक ने महात्मा ज्योतिबा फूले के मुजस्मे पर गुलाय-ए-अक़ीदत पेश करते हुए उनकी खिदमात को याद किया। वाज़े हो कि महात्मा ज्योतिराव फूले 19वीं सदी के एक अजीम समाजी कारकुन, मुसन्निफ और इनकलाबी कारकुन थे। आज 11 अप्रैल उनका यौम पैदाइश है। ज्योतिराव फूले 1827 में महाराष्ट्र के सतारा में पैदा हुए। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी ख़वातीन और पसमानदा तबक़ात की बेहतरी के लिए वक्फ कर दी। वो हमेशा ख़वातीन को तालीम का हक़ दिलाने और कम उम्री की शादी को रोकने के लिए काम करते रहे। 11 अप्रैल रोज महात्मा ज्योतिबा फूले जयंती आदिलाबाद जिला जरूकुना। सो मैं बीसी स्टडी सर्कल अंदर मन गैदर अन्नी रेस्पेक्ट्स अंड मतलब प्रोटोकॉल तो जरूर महात्मा ज्योतिबा फूले गारु अंटे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सोशल रिफॉर्मर्स ऑफ पास्ट 200 इयर्स। अब अनटचबिलिटी अंड फीमेल एजुकेशन एनो सोशल रिफॉर्म्स अंड चेंजेस 1800s अर्ली 1800s टाइम फीमेल चिल्ड्रन की एजुकेशन इवड़ तरह सावित्री बाई फूले तो सह गर्ल्स स्कूल स्टार्ट चला वन ऑफ द फर्स्ट इनिशिएटिव्स इन द एरिया। 200 इयर्स तरह इवे सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स वाला इपड़ ऑल गर्ल चिल्ड्रन इंत अडवांस आई होप दैट इंत ग्रेट पर्सनालिटी इंस्पिरेशन इपड़ फीमेल एजुकेशन फोकस मैं फीमेल चिल्ड्रन इंका फर्दर अंड अडवांस ना उद्देश्य शहर हैदराबाद का बहादुरपुरा फ्लाईओवर ब्रिज के तामीरी काम आखिरी मराहल में है। वाज़ेह हो कि गुज़िश्ता असेंबली सेशन में वज़ीर बल्दी नज़्मो नक़्स KTR ने यह ऐलान किया था कि इस ब्रिज का इफ्तिताह अप्रैल के महीने में किया जाएगा। अब तामीरी कामों के मुकम्मल होते ही इस ब्रिज को आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। इस तरह यहाँ से गुजरने वाले मुसाफिरों को राहत मिलने के साथ ही ट्रैफिक मसाइल भी दूर हो जाएंगे। तेलंगाना की रचाकुंडा कमिश्नरेट में CCSLB नगर पुलिस ने एक बैन रियासती चोर को पकड़ने में कामयाबी हासिल कर ली जो चोरी की कई वारदातों में मुलव्वस था। पुलिस ने उसके कब्जे से मसरूखा माल जुमला मालियत 32 लाख रुपए जब्त कर लिए। मुलजिम की शनाख्त जगन्नाथ के तौर पर की गई है जबकि एक और मुलजिम ब्रह्मदेव फरार बताया गया है जिसकी तलाश जारी है। Today we have caught an offender who was involved in a series of theft offences mainly in LB Nagar police station area. So this theft offence happened during the last month on the intervening nights of 6th and 7th. This offender has been caught today early morning hours. This offender's name is Jagannath. He is a repeat offender basically. If we look at his crime history from the year 2017, he has been regularly committing crimes in the state of Karnataka.
From there, at least four times he has been arrested and has been sent to jail. And every time, whenever he gets released from there, he starts committing offences again. So during this time, they have committed seven offences, and then these seven offences are located at various places in Medipally Police Station, Albinagar Police Station, Ballari Rural Police Station in Karnataka, then Banjara Hills Police Station, and Kodagu Rural Police Station in Andhra Pradesh. So combinedly from these seven cases, we have recovered a good amount of stolen property from them. It amounts to a total of 44 grams gold, 44 tolas of gold, 56.8 tolas of silver, 925,000 rupees cash, 1 Ford pickup car, 21 US dollars, 26 wristwatches and 6 mobile phones. This all worth around 32 lakh rupees of property has been taken from their possession and it will be produced in the court. So basically this whole case was detected by a CCS team, which has done a very good work under the leadership of our DCP crimes, Mr. Yadgiri. All of them will be suitably rewarded for their good work. एक साबिक फौजी व नेशनल वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट अरुण कुमार त्यागी ने आज हैदराबाद के नामपल्ली में वाक़ इंसानी हकूक कमीशन के दफ्तर से रुजू होकर उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन फराहम करने की अपील की। बाद अज़ा उन्होंने इस ज़िमन में मीडिया से बात करते हुए तफसील बताई। मेरा नाम अरुण कुमार त्यागी है, मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ और तेलंगाना स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हूँ नेशनल वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन का और तेलंगाना स्टेट वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन का। मैंने हमेशा जो है पब्लिक के लिए काम किया और मेरे साथ जो है जवाहर नगर का पुराना इंस्पेक्टर पी भिक्षापति राव है उनका नाम। उसने मतलब लैंड माफियाज़ का मैंने उनसे इन्फॉर्मेशन पूछा था, इन्फॉर्मेशन देने की बजाय पर्सनल गर्ज लेके कुछ लोगों को बीच में लगा के मेरे ऊपर जो है कमिश्नर रचकोंडा को मिस गाइड करके मेरे ऊपर जो है पीडीएक डिटेन करा दिया। पीडीएक डिटेन होने के बाद अप्रॉक्सीमेटली 3.5 months आई वाज इन द जुडिशियल कस्टडी। देन हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास करके दिया, जब मेरे साथ जो इनजस्टिस हुआ हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि दिस डिटेंशन इज़ इल्लीगल है, 101% arbitrary illegal violation of the constitution of India by the commissioner Mahesh Bhagwat without verifying। actual में क्या हो रहा है, ये जो मेरे ऊपर तीन केसेस डाले हैं इसमें वन साइड इन्वेस्टिगेशन ही चल रहा है। क्राइम हुआ है तो दोनों पार्टीज़ का फ़ोन सीज होना चाहिए, बस मेरा फ़ोन सीज हुआ है और उन लोगों का दूसरा जो पार्टीज़ है उन लोगों का फ़ोन ही सीज नहीं किया है, ठीक है ना। अल्टीमेटली मेरा कहने का मतलब क्या है, कमिश्नर रचकोंडा को मिसगाइड किया है इंस्पेक्टर भिक्षापति राव ने एंड कमिश्नर महेश भागवत इज नॉट ए स्मॉल पर्सन, इज द कमिश्नर ऑफ द पुलिस, ही शुड वेरीफाई एवरीथिंग डीपली, बट ही इज ऑल्सो वर्किंग इन द वन वे। सेकेंडरी एक ही कमिश्नरेट में दो दो कानून है, एक पुलिस स्टेशन जो है अंडर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में इन्फॉर्मेशन क्रिमिनल्स का पूरा लिस्ट देता है, एक पुलिस स्टेशन जो है अंडर राइट टू इन्फॉर्मेशन में जवाहरनगर जो पी भिक्षापति राव जो पुराना इंस्पेक्टर है वो इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, कंप्लेंट हमारे से लेता है, हम एफआईआर के लिए कंप्लेंट देते हैं, हमारा एफआईआर बुक नहीं होता। हमारे ऊपर कोई भी झूठा जाके कंप्लेंट दिया तो इमीडिएट बुक कर देता है, हम एविडेंस के साथ उनको कंप्लेंट दिया तो हमारा एफआईआर बुक नहीं करता है। फॉर द रीज़न मैंने स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में मैंने गुहार लगाई है, हेल्प की मेरी मदद करो, ठीक है ना। माई लाइफ इज़ इन थ्रेट, मुझे थ्रेट है, मुझे पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए। मैंने दैट ऑल्सो हैव गिवन इन द ऑनरेबल स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जितना भी एक ही कमिश्नरेट में दो कानून कैसे भाई, इज देर एनोक्रेसी इन द सिस्टम ऑफ राचाकोंडा कमिश्नरेट। पुलिस प्रोटेक्शन लेने का कारण क्या है, वैन दे कैन डिटेन मी फॉल्सली इन द पीडी एक्ट, दे कैन किल मी। हैदराबाद ज़कात एंड चैरिटेबल ट्रस्ट और फाउंडेशन फॉर इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट की जानिब से इतवार के रोज़ बंजारा हिल्स के एक शादी खाने में सालाना इजलास व दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। इस मौके पर तेलंगाना माइनॉरिटीज़ रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी के सदर ए के खान ने मेहमान खसूसी की हैसियत से शिरकत की और ख़िताब किया, जबकि तेलंगाना के डी जी पी ए सी बी
अंजनी कुमार ने मेहमान एजाजी के तौर पर शिरकत करते हुए खिताब किया। मशहूर व मारूफ माहिर इक्तसादियात आमिरुल्ला खान ने ट्रस्ट की खिदमात पर रोशनी डाली और अलीउद्दीन हैदर ने सालाना रिपोर्ट पेश की। इस मौके पर चेयरमैन ट्रस्ट गयासुद्दीन बाबू खान, ट्रस्टीज व दीगर की कसीर तादाद मौजूद थी। रमजान ही नहीं, हर फेस्टिवल बहुत फीका है और किसी भी फेस्टिवल को हम लोग सेलिब्रेट करते थे तो एक अंदर ऑफ का माहौल के साथ करते थे, तो आज वो हम हमारे बीच नहीं है और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में भी अब कोई तीसरा या चौथा या पांचवा वेव अब नहीं आए। लेकिन हमारे बुजुर्गों और दोस्तों, पिछले दो साल से जिस माहौल में हम लोग रहे कोरोना के, बहुत कुछ मैं तो समझता हूँ सीखने को मिला और उसका डायरेक्ट रेलिवेंस इस तरीके के चैरिटेबल ट्रस्ट से है। सबसे पहली चीज तो जब दो साल पूरे फैमिली सभी लोग घर में एक तरह से बंद रहे तो एक एहसास हुआ, सभी फैमिली में एहसास हुआ कि जिन चीजों को हम लोग बहुत शौक से खरीदते हैं, उसको जमा करते हैं, शायद उसकी अहमियत उतनी ज्यादा नहीं है। बहुत कम में भी बहुत खुशी से गुजारा हो सकता है, ये एक बहुत बड़ी बात बहुत लोगों ने सीखी। दूसरी चीज जो मैं समझता हूं कि एक बार फिर हम लोगों को सीखने का मौका मिला वो था इंसानी रिश्तों का। जब फूड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था लेबरर्स के लिए, जैसा कि आप जानते हैं हैदराबाद हिंदुस्तान के सबसे बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी में से एक है और करीब 12 लाख लेबर यहां दूसरे स्टेट से आकर काम करते हैं, और जब लॉकडाउन के कारण या दूसरी चीजों के कारण उन लोगों को खाना नहीं मिल रहा था तो फूड डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत बड़ा चैलेंज था और उसमें आप जैसे लोग बहुतों के सामने आकर बिना किसी को जाने हुए, बिना किसी का मजहब जाने हुए, बिना किसी का नाम जाने हुए, बिना किसी का स्टेट जाने हुए, दिल से आप लोगों ने उनकी मदद की। इससे बड़ा और इंसानी रिश्ता क्या हो सकता है। और इन सबके पीछे मैं तो समझता हूं कि बाबू खान साहब के जैसे बहुत लोग हैं जो कि इंसानी रिश्तों को सबसे ऊपर और सबसे बड़ा मजहब मानते हैं। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। हज 2022 के लिए 65 साल से कम उम्र की हद मुकर्रर, 22 अप्रैल तक दाखिल की जा सकती है नई दरखास्तें, एके खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। धान की खरीदारी का मुतालबा, नई दिल्ली में टीआरएस का महाधरना, टीआरएस उजरा कायदीनों कारकुनान समेत सीएम केसीआर और भारतीय किसान यूनियन के तर्जुमान राकेश टिकैत ने की शिरकत। हम शिद्दत का जलजला लाएंगे जो दिल्ली की सल्तनत को हिलाकर रख देगा, धान के मसले पर दिल्ली में एहतजाजी तकरीब से सीएम केसीआर का खिताब। मरकज धान की खरीदारी नहीं कर सकता तो वजीर आजम को मुस्तफी हो जाना चाहिए, दिल्ली में महाधरना के मौके पर वजीर तलसानी की मीडिया से बातचीत। हैदराबाद में बीजेपी का एक रोजा एहतजाज, किसानों के मसाइल दूर करने केसीआर हुकूमत से मुतालबा, विजय शांति ने रियासत में सदर राज की मांग की। दिल्ली में टीआरएस तो हैदराबाद में बीजेपी, धरना देते हुए किसानों को कर रही गुमराह, सीनियर कांग्रेस लीडर मधु याचिकी ने सीएम और पीएम को बनाया निशाना। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही, ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीएन न्यूज यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।